नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। बताया जाता है चपुवाडी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड के द्वारा धान अधिप्राप्ति केंद्र का भव्य उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, उप प्रमुख प्रतिनिधि जैनुल अंसारी, मुखिया मोहम्मद शमी, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद मैनसर, देवदत्त जाधव, संदीप गुप्ता के अलावा कई गणमान्य प्रबुद्ध लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि किसान दलालों के चक्कर में ना पड़े, धान अधिप्राप्ति केंद्र में दें और सरकार द्वारा निर्धारित दर 2050 के दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं उप प्रमुख प्रतिनिधि जैनुल अंसारी ने कहा कि धान अधिप्राप्ति केंद्र से स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं धान अधिप्राप्ति केंद्र के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि किसानों की सेवा में समर्पित यह केंद्र होगा, किसानों को तकलीफ ना हो इसके लिए हर संभव ख्याल रखा जाएगा। और किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। तो फिर आप बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं चपुवाडी, जहां पर धान अधिप्राप्ति केंद्र का भव्य उद्घाटन जिला परिषद के प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, कांग्रेस नेता जैनुल अंसारी, स्थानीय मुखिया मोहम्मद शमीम, देवदत्त जादवपुर पंचायत समिति सदस्य समेत कई लोग गणमान्य प्रबुद्ध लोगों के द्वारा यहां पर फीता काट करके धान अधिप्राप्ति केंद्र का आज उद्घाटन किया गया है। और बड़ी खुशी की बात है, लोगों को जरूरत भी थी इस क्षेत्र में और यहां पर नया जगह पर खुली है, तो आप उन लोगों से जानेंगे। यहां पर पैक्स के अधिकारी भी सब पहुंचे हुए हैं, ब्लॉक से भी पहुंचे हुए हैं, उन लोगों से भी जानेंगे कि यहां का क्या खास उद्देश्य है। प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड, आप ही बताइए थोड़ा कार्यक्रम के बारे में। जी, आज सरकार के निर्देशानुसार और उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमारे बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत 15 तारीख से धान अधिप्राप्ति का शुभारंभ किया जाना था। उसी के आलोक में आज चपुवाडी पंचायत के चपुवाडी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड अंतर्गत पैक्स लिमिटेड के लिए धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन माननीय यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है। आज से यहाँ के जो स्थानीय किसान है उनसे न्यूनतम निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान का अधिप्राप्ति किया जाएगा और उनको उचित मूल्य इस पैक्स के माध्यम से प्राप्त होगा। क्या तय हुआ सर, निर्धारित तय क्या? अभी इस बार जो है, जो साधारण किस्म के धान है उसमें 250 रुपया है, बोनस भी सरकार दे रही है, शामिल है उसमें, तथा ए ग्रेड का जो धान है वो 270 है। हमारे जो पैक्स का डिस्प्ले बोर्ड है उसमें भी ये लिखा हुआ है 250। जी, 2050 जी प्रति क्विंटल 2050 किसान ला करके यहाँ पर धान दे सकते हैं और उनका राशि प्राप्त कर सकते हैं। जैनुल भाई यहाँ कांग्रेस नेता मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम के बारे में? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ताकि लोग किसान औने पौने में जो भी, एक तो सुखाड़ की स्थिति था, खेती पूरे संपूर्ण नहीं हो सका, लेकिन जो भी खेती लोग किसान किए हैं तो औने पौने में धान नहीं बेचे, वो सरकारी सहकारी समिति में लाके दे, उनको अच्छा उचित मुआवजा 250 रुपया मिलेगा। और मैं कोशिश करता हूं और लोगों को आग्रह करता हूं कि आप सही का माने चयन करें और अपना सही दाम उठाएं। जय हिंद, जय झारखंड। जी, यहां पर जिला परिषद प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल है, किसानों के नाम क्या संदेश देंगे उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे किसानों को, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से, बताइए। चपुवाडी पैक्स में हम लोग आज पैक्स का यह तो भवन सरकारी नहीं, प्राइवेट भवन है, जो कि यहाँ का प्रबंधक और पैक्स का चेयरमैन जो है अनिल प्रसाद यादव जी हैं, जो मुढ़ेरी गांव के निवासी हैं। मैं यहाँ के किसानों से, मैं अगल बगल के किसानों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप धान का जो उत्पादन किए हैं उस उत्पादन को आप पैक्स के माध्यम से ही बेचें, ताकि आपको सरकारी जो मूल्य है उसका मूल्य का संपूर्ण लाभ आपको मिल सके। ऐसे तो लोग जानकारी के अभाव में या तो फिर जल्दबाजी में औने पौने दामों में बेच देते हैं, दलाल वगैरह भी ले लेते हैं। खेती तो बहुत कम मात्रा में हुआ है, लेकिन जो किसान को हुआ और बेचना चाहते हैं तो पैक्स के माध्यम से ही बेचे। और जैसे विशेष साहब बताए कि ए ग्रेड का धान का
मूल्य सरकार निर्धारित किया है 2070 रुपया, और भी जनरल जो धान बहुत से तरह का हमारे क्षेत्र में उपज होता है जिसका 2050 रुपया प्रति क्विंटल के दर से है। तो अनिल प्रसाद यादव जी से जो मुढ़री गांव के निवासी हैं, तो उनसे लोग संपर्क करें और संपर्क करके जो सरकारी नियमानुसार अपना धान का जो बिक्री करना है वो बिक्री करे, जो उसका नियम है उस आधार पर वो अपना जो मूल्य सरकार निर्धारित किया उस मूल्य को भी प्राप्त करे। इसमें अगर किसी प्रकार का कोई कोताही होता है या लोग इसमें नजरअंदाज किसानों के लिए करता है, बिचौलिया गिरी हावी होता है, तो हम जनप्रतिनिधि किसानों के सहयोग के लिए तत्पर हैं, 24 घंटा उसको सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं और रहेंगे। लेकिन बात रह गई कि किसान का स्थिति तो हमेशा चरमराई हुई है और हमेशा किसान और दलित बैकवर्ड गरीब मजदूर ही ठगाया जाता है, और हम चाहते हैं कि सरकार विशेष किसानों के ऊपर ध्यान दे, और ताकि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का 75% आबादी जो है देश की आत्मा आने गांव में बसती है, उसका कैसे चौमुखी विकास हो, इसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये देखने को शायद बहुत कम मिल रहा है, तो किसानों के प्रति सरकार को गंभीर होना चाहिए और उसका चौमुखी विकास अनेक स्रोतों से, सिर्फ धान का क्रय केंद्र नहीं, पढ़ाई लिखाई जन कल्याण कार्यक्रम से लेकर के उसको अधिकार अधिनियम सब चीज का जानकारी और उसे मिलना चाहिए, ताकि किसान का सर्वांगीण विकास हो, किसानों का भी बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर एमएलए एमपी बन सके, उसका भी जो है सपना पूरा हो सके। ऐसा नहीं कि जो किसान हल चला रहा है उसका बेटा बेटी भी हल चलावे, ये कोई परंपरा नहीं। इस परंपरा को तब हम लोग तोड़ सकते हैं जब इस क्षेत्र में नेता से लेकर के आम जनता जागरूक हो जाएंगे। यही शुभकामनाओं के साथ हम अपने विचार को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मुखिया समीम जी हैं, बताएंगे कुछ। आज हमारे पंचायत के ग्राम मुंडहरी में पैक्स का गोदाम का आज उद्घाटन हुआ है, और हम चाहेंगे कि तमाम हमारे पंचायत के लोग या तो अगल बगल के जो भी पंचायत के लोग हैं सभी से आग्रह करेंगे कि आप इस पैक्स में धान दें, और जो उचित मूल्य है जो सरकार का जो दाम है उस दाम पर आप धान को बेचें, ताकि ठकाए नहीं और किसी को बिचौलिया के चक्कर में नहीं रहें, और जब यहाँ गोदाम आपका पैक्स का जब खुल गया है तो यहाँ आप धान दें और आपको जो सरकारी रेट है वो मिलेगा। और मैं सभी जितने भी आए हुए हैं हमारे एमपी प्रतिनिधि, हमारे उप प्रमुख प्रतिनिधि, डीसीओ साहब और इस पैक्स के अध्यक्ष और तमाम प्रेस बंधु सबको मैं अपनी ओर से, इस पंचायत चपुआडी के ओर से धन्यवाद देता हूं। तमाम हमारे आए हुए जितने भी जनतागण है सभी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। सभी को धन्यवाद दे रहे हैं मुखिया जी। जी संदीप जी, कुछ कहना चाहेंगे आज के उद्घाटन के बारे में? हाँ, पैक्स का मतलब इस बार तो धान हुआ नहीं है, लेकिन अगर पैक्स अगर खुल गया है तो जो थोड़ा बहुत हुआ किसान को कुछ तो लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ सुखाड़ भी घोषित, सुखाड़ भी घोषित है, धान आखिर कहाँ से देंगे, लेकिन जो कुछ है वो ला करके दे दे। जी जी, आप कुछ मिश्रा भाई? हाँ, हम अधिकारी लोग से यही कहना चाहेंगे कि किसान को सही समय पर भुगतान हो जाए। ऐसा देखा जाता है कि बहुत देर से भुगतान होता है तो किसान लोग जो है तो इसमें सरकारी में देना नहीं चाहते हैं, वो फंस जाता है, तो सही समय पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद बीएमबी चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, देकर फंस जाता है किसान, सही बात है। देवदत्त जी क्या कहना चाहेंगे, आपके गाँव में किसान केंद्र खुला है, धान क्रय केंद्र? हाँ, आज हमारे चपोरी पंचायत में पैक्स गोदाम का उद्घाटन हमारे जनप्रतिनिधि लोग किए हैं, बहुत खुशी का बात है। हम लोग का सभी किसानों से मेरा कहना है कि आप पैक्स में दें और सही दाम लें, और साथ साथ मैं पैक्स अध्यक्ष श्री अनिल यादव जी से मैं आग्रह करता हूं कि समय पैक्स के माध्यम को दें और किसानों को ज्यादा सहूलियत दें। मैं इससे प्रार्थना करता हूं कि जितने से ज्यादा सुविधा लोगों को सरकार में मिलेंगे, लोग जनता चाहती है कि हम सरकार का फायदा उठावे, लेकिन जनता फायदा नहीं लेने के चलते कि सरकारी भाव मन को थोड़ा सा लाता है, बीच में थोड़ा सोचता क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा भुगतान होगा। और मैं हम लोग बात किए हैं कि यहाँ बहुत अच्छा भुगतान होगा, और सभी किसानों को हम मैंने बोलते हैं कि आप लोग ध्यान दीजिए और सही मूल्य प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड। बिल्कुल बिल्कुल, अनिल जी कहाँ पर थोड़ा सा आइएगा, बताइएगा, आप अध्यक्ष हुए इस यहाँ पर धान क्रय केंद्र के, क्या लोगों के लिए संदेश देंगे, क्या किसानों को कहना चाहेंगे आप? किसानों को ये कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक किसान लोग धान दें, ताकि मेरे पैक्स में
यहाँ का विकास हो, यहाँ का जनता का विकास हो। हम नया नया चेयरमैन जीते हैं, पहले कुछ नहीं था यहाँ, लेकिन हम जब से आए हैं इसके लिए कार्य कर रहे हैं और करेंगे। 5 साल तक हम जनता का सेवा मन से करेंगे, यही मेरा। क्या क्विंटल, प्रति क्विंटल क्या लेंगे? 2,050 रुपए है और 10 रुपए बोनस है। तो हम पैसे की राशि कब तक भुगतान हो जाएगा? अधिक से अधिक जब तक मिल में धान नहीं जाता है तब तक राशि नहीं आती है। जब मिल में धान चला जाएगा फिर किसानों का अकाउंट में पैसा चला जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा धान के लिए? आधार कार्ड है, जमीन रसीद है, वोटर कार्ड है और ऑनलाइन करना है। उसके बाद उसका धान लिया जाएगा और उसकी मात्रा जो होगी वो मॉक्सर नापा जाएगा। उसका जो 15 है मॉक्सर का रेट, उससे अधिक होगा तो नहीं लिया जाएगा। तो आधार कार्ड और क्या क्या? आधार कार्ड और वोटर कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जमीन का रसीद, तीन चीज जरूरी है। जरूरी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जमीन की रसीद। और अगर आप देते हैं और अपना धान ला करके यहाँ पर अध्यक्ष के जिम्मे देते हैं अनिल यादव जी के पास, तो 2,050 रुपए, 2,050 रुपए प्रति क्विंटल आपको दर की रेट से आपका भुगतान आपके खाते में चला जाएगा। निश्चित रूप से सुखाड़ एक तरफ सरकार कर दी है और धान तो है नहीं क्षेत्र में, लेकिन जो भी धान है वो ला करके यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं और उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम, थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।